एक दौर था जब लेग स्पिनर्स या रिस्ट स्पिनर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की, फिंगर स्पिनर्स की बहुत इंपॉर्टेंस इतनी दिखती नहीं थी, और वो दौर अब लगता है वापस खत्म हो गया है और फिर से वो दौर आ गया है जहां पर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, जो परफॉर्मेंस है वो दिख कर आ रही है, वो निखर कर आ रही है। और उन सबका एक प्राइम एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। आप रविंद्र जडेजा की बात करें, मिचेल सैटनर की बात करें, या फिर केशव महाराज हो, या फिर रचिन रविंद्र हो, इन सब लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर्स ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था वर्ल्ड कप 2023 में। और अभी करंटली चल रही है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में अक्षर पटेल को हमने देखा है कितनी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर बोला जाता है, फिंगर स्पिनर भी बोला जाता है इन्हीं तरह के गेंदबाजों को। और साथ के साथ जो न्यूजीलैंड टूर ऑफ बांग्लादेश चल रहा है टेस्ट मैच की सीरीज में, अभी रिसेंटली तैजुल इस्लाम ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है, और न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। तो ऐसा लग रहा है कि जो दौर था लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का, या फिंगर स्पिनर्स जो कहते हैं, वो वापस आ रहा है और उनकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये ओवरऑल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात लगती है कि आपको लेग स्पिनर्स के साथ साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी देखने को मिलेंगे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स भी देखने को मिलेंगे, रिस्ट स्पिनर्स देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा है ओवरऑल क्रिकेट की ग्रोथ के लिए और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, हमें देखने को, सीखने को, एंटरटेन होने को बहुत सारे मौके मिलते हैं, और इसी वजह से क्रिकेट की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहती है। तो आपका क्या कहना है इस ब्यूटी ऑफ क्रिकेट के बारे में, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की इंपॉर्टेंट के बारे में इन क्रिकेट, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।